कहूँ भाई 5 साल बाद जाकर मैं बाल कटवाने लगा हूँ। भाई के दिल पे छुड़ियाँ चल रही है। ये छुड़ियाँ तो तुमने बालों पे जल्दी ही देखी है, मेरे दिल पे चल रही थी। सर टॉप पेंस लॉन्ग पढ़ा लिखा सर हूँ, नहीं सही लग रहे हैं ऐसा ही है खुशखबरी। मैंने नहीं मसला, हम लोग कैसे हम लोग मेरे गेट से होंगे। सो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज का सीन ये है कि मैंने बाल कटवा देने आज अपने कमों पर 5 साल बाद जाकर मैं बाल कटवाने लगा हूँ। कटवाने के बहुत से रीज़न हैं, उनमें से एक ये है कि बाल बहुत रफ हो गए हैं, बहुत बरीक होना शुरू हो गए हैं और भाई को फील आ रही है कि मैं गंजाना हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ से थोड़े थोड़े बाल कम होना शुरू हो गए हैं। तो आज सुबह सुबह हम उठ गए हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? उठे नहीं है यार, तुम लोग को पता ही नहीं, सोई नहीं है। सबसे पहले आज काम ये करना है कि बाल जाके कटवा देने। अच्छा, ये हमारे अदर भाई हैं। ठीक है, अब अदर भाई कह रहे थे कि मेरे सलून का नाम भी बताना है। तो यार ये टॉप प्रीम सलून है घर के पास ही हमारे। ही इज नाइस मैन। लो जी कलमा पढ़। जैसे जैसे कैंची चल रही है वैसे वैसे भाई के दिल पे छुड़ियाँ चल रही हैं। अदर भाई 5 साल बाद जाके बाल कटवा रहा हूँ। तो यार ये देखो, ये जो नीचे गिरे हैं ये खाली मेरे बाल नहीं है, मेरे दिल के टुकड़े भी हैं। इतना इतना लंबा बाल काट गया यार। ये छुड़ियाँ तो तुमने बालों पे जल्दी ही देखी है, मेरे दिल पे चल नहीं गई। क्या बात है, अगला पत्थर मर गया। अच्छा यार ये देख लो बेटा। अदर भाई क्या चेंजिंग नजर आई है आपको? पहले जरा सही था काम, अब सही है? नहीं अब बेहतर हो गया। अब मैं बड़े हो गए गंजा तो नहीं आऊंगा? नहीं, मेरे बच्चों को कोई ये तो नहीं कहेगा कि तुम्हारे पापा गंजे? नहीं, क्यों? आपको पता जिंदगी में टैटू जरूरी है। मुझे लग रहा है कि घर वालों ने मुझे पहचाना नहीं है, बाहर के लोगों का पता नहीं क्या रिएक्शन होना है। ऐ की करता तुसी? जैसे आपने एडवाइस किया था वैसे। टॉप ट्रिम सलून जिंदाबाद, इधर आओ और सेटिस्फाई हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। Nice. अदर भाई खुद ही बता दें जो बताना है आपने। सर टॉप प्रिंस लॉन, आप आए इंशाल्लाह आपके मियाद का काम होगा। अगर कोई आके आपको हमारा रेफरेंस देता है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डिस्काउंट होगा उसको? बिल्कुल। इधर दिखा दो भाई। हाँ ये देखो सर्टिफाइड पढ़ा लिखा सर हूँ, क्योंकि जिंदगी बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत अच्छा काम किया। और मेरे कहने पे आप कटिंग कराने, सबको छोड़ के आप मेरे कहने पे कटिंग कराने। असल में वही है कि हम एक जगह बोतल पीने गए हैं, अब उनके वहाँ पे लगे थे कैमरे के अंदर मेरी नज़र पड़ी और भाई को ना ऊपर से गंजापन फील हुआ, फिर दिल पे भी छुड़ियाँ चली और बालों में भी छुड़ियाँ चल गई, समझ रहे हो? भाई जाना की कराई था साढ़े ये आप जाने वाले बताएंगे। जो जी ये तुम लोगों ने बताना है कि कौन सा ठीक सही है, ये वाला अली सही है, पहले वाला अली सही था। Okay. ये भी मैं घर से आ रहा हूँ और घर वालों ने मुझे पहचाने से इनकार कर दिया, वो कह रहे हैं कि मैं ली नहीं हूँ। काफ़ी खुश भी हो रहे थे और अपनी बाल है अपनी खेती है दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता जिंदगी में टच जरूरी है बहुत। ये भी एक टच है, हम गंजा नहीं होना चाहते, समझ लो बात को, ना निकला करो रात को। What? तो जी ये भी हम थोड़ा दुख कम करने के लिए, वैसे तो हमारा नाइट गैंग है बट आज हमारा डे गैंग बना हुआ है और वहाँ कुछ आपका वेट हो रहा है, वो इंशाल्लाह आते ही होंगे। अब आते हैं तो उनका भी रिएक्शन देखते हैं कि क्या कहते हैं। नहीं मुझे तो अजीब लग रहा है। नहीं सही लग रहे हैं। पास है? हाँ। लो जी राणा ने जो कहे इतना कहे इतना, राणा साहब ने कह दिया पास है तो पास है, क्योंकि ज्यादातर जो वोट आए अभी तक वो पास के हिसाब से आए हैं। फेल बहुत तुम लोगों ने हमें की है, एक वो ये राणा जी कहे कई यार उसने हमें फेल किया, वो कहते हैं कि लंबे बाल ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बाकी सारों ने हमें यही कहा यार कम टैट है। मेरे दोस्त महापुरुष राणा साहब की तबीयत बड़ी खराब हुई थी, अभी इनको दवाई लेके दी है। राणा साहब कैसा फील कर रहे हैं अब? आप सुकून है अब, ख्याल रखो अपना। राणा जी तो ओके हो जाएंगे लेकिन हमने भी ओके होना है, क्योंकि दुख बहुत बड़ा है। अब ओके कैसे होंगे टच, क्योंकि जिंदगी में टच जरूरी है बॉस, हमारे दर्द की दुआ तो आ गई है। लेकिन राणा जी को आपकी दुआओं की जरूरत है और दुआ करने के बाद आपने उनके लिए लाइक करना है, क्योंकि 1 like = 1 3। आपने बस दुआ करनी है कि राणा जी बच जाएं, लेकिन मैंने राणा जी से तब चढ़ी ही है, मैं हूँ राणा जी के उस्ताद को जाना है। राणा जी हफ्ते च 4 दिन छुट्टी करते हैं तो 2 दिन कम दे जाते हैं। तो मैं इन्होंने उस्ताद में जाके अपना चैनल सबसक्राइब कराना, तो बाकी उन्होंने आप ही पता लग जाएगा कि जो सा महापुरुष बने फिरते हैं ना वो कितने होंगे ने उस्ताद, इन्होंने तुम्हें पता है फिर की लाल करेगा। अगर समझदार रहेगी, इनकी बड़ी मजेदार आपको मैं स्टोरी बताता हूँ। इन्होंने सुबह 10-11 बजे काम पर जाना होता है,
एक बजे ये जाते हैं जोर की नमाज पढ़ने, अब ये एक बजे जोर की नमाज पढ़ने जाते हैं, उसके बाद दुकान पे आते हैं चार पाँच बजे, ये मस्जिद में जाके सो जाते हैं। उस्ताद जी की बड़ी शिकायत है इनसे। राणा जी क्या मामला है आपके? यार रात को सारी रात पीते रहते हैं। आपको तो हमने क्या, आप जाके सो जाया करो। कैसे लेटे हुए आप खुद समझदार हैं ये काम क्या बोला जाए। अब ये बीमार है, हमको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो भी है राणा अपना लव है। हाँ, हमें फिक्र ये है कि राणा जी को उस्ताद राणा जी काम से निकाल देगा राणा जी, बस क्योंकि दोस्त है यू नो, फिर दोस्ती में टच जरूरी है बॉस। अभी 3 बजे का टाइम हो गया और ना मैं सोया हूँ ना ये सोया, बस ये महापुरुष साहब हैं जो सो के उठ गए हैं, बाकी हमने सोना है। राणा जी आप भी जाकर थोड़ा आराम करो, ख्याल रखो, हम भी थोड़ा 2-4 घंटे सो लें, क्योंकि जिंदगी में नींद जरूरी है बॉस। लेटर दैट सेम इवनिंग सुता उठिया, वाल वाल देगी नहीं यार, ओ नो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। टाइम की तरफ आए तो रात 9 बज रहे हैं और भाई अभी आपा उठा है, उठा भी कैसे, दोस्त की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि भाई महापुरुष साहब जो है वो एक सरप्राइज देना चाहते हैं। फोन पे उसने मुझे नहीं बताया, वो कह रहा था कि बाहर आओ और अपनी जनता को साथ लेके आओ, खूबसूरत साहब अपनी ये खुशी आप लोगों के सामने मुझे दिखाना चाहते हैं। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या ये आपको मुबारकबाद है? खैर मुबारक जनाब। पहले ये बताओ किस चीज़ की, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं तो रोज यही कह रहे हो खुशखबरी आने वाली, खुशखबरी आने वाली है। सामने खुशखबरी देनी थी ना सर, लोग आपके साथ हो हमारे, मुबारक राणा साहब, अल्लाह आपको और रंग लगाए, अल्लाह आपके सारे शौक पूरे करे, अल्लाह आपको सदा सुहागन रखे, सदा खुश रहे हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सदा खूबसूरत रहे हैं। अब आपने हमें कमेंट में ये बताना है कि राणा जी की शक्ल देख के क्या लगता है आपको, मोबाइल चोरी गया है या राणा जी ने अपने पल्ले लिया? तो हमें इसलिए छोड़ गई थी, तब हमारे पास मोबाइल ही नहीं था, अब हमारे पास मोबाइल आ गया, अब हमारे पास मोबाइल आ गया है, अब हम उसको छोड़ के कोई और देखें। राणा साहब मजाक के अलावा बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे बहुत खुशी हुई है, अल्लाह आपको चलाना नसीब फरमाए। अभी हम पराठे खाने आए हैं, महापुरुष साहब अपने मोबाइल की खुशी में पराठे और साथ बोतल हमें बुला रहे हैं। महापुरुष की जगह मैं बोल रहा था। हाँ जी। अच्छा यार चोरी साहब मैंने भूख लगी है बड़ी जोर की, पराठे मंगवा लो। नमाज साहब ने पहले तुझे पराठा खुवाना है, पराठे खुवाने हैं, सॉरी पराठा नहीं, पराठा भी नहीं ना, पराठे परांठे परौंठे परौंठे परांठे परांठे हाँ परांठे, 2 परांठे खावांगा फिर मैं बोला। थोड़ा सा क्लोज करके दिखाया ना, जरा दिखाया उसको कि भाई देखो मोबाइल थोड़ा सा बाहर निकाला हुआ। क्या बात है, क्या बात है, नहीं मुझे बड़ा ना दे की करी, क्या बात है भाई, क्या बात है बड़ा मोबाइल ला नखरे बात है भाई, भाई 30,000 रुपए खर्चा जो उन्होंने पहुंच गए भाई, गेम भी तो पूरा है वो जो दे। बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है लाला। अरे जी सो क्यों, सो क्यों चल, क्या बात है, क्या बात है, कुछ यार पराठे कितने आ गए हैं, खाने ना कितनी है कि तो मैं कान पर दर्द का भाई, ये पराठे कितने रह गए जे, वो कि जापान चले गए ने। राणा इज सो कंफ्यूज्ड बिकॉज़ परांठे इज टू लेट, देख रहे थे सर खान आज दी सदी चाहिएगा, आज दी सदी राणे ठीक तो है, और तू कह परौंठा खाना है, ऐसा ज्यादा गर्म की हुए यार, लगी दिते ने यार पता लग रहे हैं लगे हुए, उन्होंने शक्ल वेख के शक्ल वेख नहीं सही, इन्हें रोटी खानी है, हमने खाली बोतल पीने, क्योंकि मैं घर से खाना खा के कोक
जिंदगी में टच जरूरी है बॉस। अपना ही मजा है। किसका? पीने का, पराठे के साथ पीने का अपना ही मजा है। क्या बात है, जिंदगी का तो मजा पराठे में और राटे में ही है। क्या बात है, और साथ कोक में। क्या बात है, रायता राणा साहब को इसलिए पसंद है क्योंकि रायता राणा साहब के रंग के बिल्कुल खिलाफ है। और साथ कोक ऐसे नहीं कहना, क्योंकि देखिए राणा हमारी जिंदगी में ना होता तो जिंदगी में टच नहीं होना था। तो यू कैन से कि जिंदगी में राणा जरूरी है बहुत। और ये थंबनेल बनाते हुए महेंद्र साहब ने ज्वाइन की है। नहीं सही लग रही, सही लग रही है। बस ना वॉक रहता ऊपर से इसको लगा लिए प्ले वगैरह। वो तो लगाऊंगा लेकिन अभी तो कटवाए हैं थोड़े। अभी मैंने थोड़ी कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी क्योंकि उसने मुझे यही किया। पास है पहला फोन ही है उनको। हमें भी इश्क ने मुकम्मा कर दिया था। वाह वाह, वरना हम भी मैकेनिक थे काम पे। क्या बात है राणा जी। एक बात जो पॉइंट की है वो ये है कि लोगों को इश्क निकम्मा करता है, राणा जी को मकम्मा कर दिया। लो जी चौधरी साहब, राणा जी हमें बड़े शेर सुनाते थे। एक शेर राणा जी की नज़र है कि राणा कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है और चुप नहीं होता। माशाल्लाह। कोई जो भी कहेगा तू बोलेगा सुभान अल्लाह कही दे। एक शेर हम आपको सुनाते हैं। आपको हर बंदे से शिकायत होती है, सिंपल सी बात है। उम्मीदें इंसान से लगा के शिकवे खुदा से करते हो, ऐ इब्ने आदम तुम भी कमाल करते हो। सुभान अल्लाह। राणा ही सीखे ने, राणा पता चंड पैनी। अभी हम आए हैं अपने अड्डे पे अगर न्यू होटा जहाँ से हम चिल बोतल भी नहीं आते हैं। ये आ गए चाचा जी जो हमें ठंडी ठंडी बोतलें पिलाते हैं। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र। राणा ये क्या था भाई? ये पैक था। अस्तगफिरुल्लाह, यार समझ गया इसमें 600 वाली और 300 वाली कौन सी है। हाँ जी आप किसका जिक्र कर दिया? क्या दिया था बोतल में, हम तो उस गाने के लाडले थे। कौन सा वाला राणा बातें करता था हमें। अच्छा गाने तो हम इधर बैठे हुए हैं, वो तो एम ही राणा था। तो छोटे वालों के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको तमाम जानों की खुशियां नसीब फरमाएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मेहनत हमारी, रहमत अल्लाह की, मोहब्बत आप लोगों की।